सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम ऑलिव बोर्ड का सॉल्यूशंस, क्योंकि इन्होंने देना बंद कर दिया है। ये देखो, आपको बोल रहे हैं कि पे पैसे दो बेटा पैसे, ठीक है, अपना लक्ष्मी चिटफंड बन गए और हम राजू नहीं बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन अपने। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है कि एक एंगल बना रहा है, जो कॉर्ड है ना वो सेंटर पर एंगल बना रहा है 60 का, तो डायमीटर बता दो आप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये कोई कॉर्ड है पी क्यू, ये सेंटर पर एंगल बना रही है 60, ठीक है, सॉरी। तो ये एंगल देखो, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों बराबर रहेंगे, तो मतलब 60-60 हो जाएंगे। ये भी 60-60 हो गए, तो ये भी 16 और ये भी 16, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना। 16 हो गए, 16 आपकी रेडियस है, 32 आपका डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है ये पी कंप्लीट कर सकता है 2/3 काम। आपको बता दूँ कैसे करते हैं इसको, मतलब मैं अपना सिंपल, क्योंकि मैं जल्दी कर दूंगा, आप पूछोगे कैसे किया। मान लो 2/3 काम है, तो वो कर रहा है 20 दिन में, तो एक्स काम कितने में करेगा, 3 उधर चले जाएगा, 2 उधर आ जाएगा, तो मतलब 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं सिंपल। तो 2/3 मतलब पी की जो एफिशिएंसी आएगी, मतलब सॉरी, पी टोटल काम कितने में कर लेगा, 30 दिन में, और क्यू कितना कर लेगा, 3 × 12 7 × 28, तो 28 दिन में कर लेगा, ठीक है। अब इनका एलसीएम अपना 420 आ जाएगा। 420 कैसे आता है, जो बड़ा नंबर होता है वो ले लो। इसमें देखो किस चीज़ की कमी है, यहाँ 14 × 28, 2 तो इसमें आ रहा है, 14 नहीं आ रहा है ना, तो 14 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और 420 आ गया। अब इसकी एफिशिएंसी क्या बन रही है, इसकी एफिशिएंसी बन रही है 14, इसकी कितनी बन रही है 15, ठीक है, मतलब एक दिन में इतना काम कर लेंगे। और जो स्टार्ट करता है काम वो पी करता है, और टोटल काम करता है 18 दिन तक अकेले, तो 18 टोटल, एक दिन का काम इतना है, 18 दिन काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना कर लेगा, 18 × 72, 18 × 1 = 18, 18 × 7 = 25, 252 काम कर लेगा। टोटल काम 420 था, बचेगा कितना काम, 8, 6 और अपना 1, ठीक है, 168 काम बचा। अब ये काम कौन कर रहा है, क्यू ओवरटुक द वर्क, ठीक है, क्यू कर रहा है रिमेनिंग वर्क। तो क्योंकि एफिशिएंसी एक दिन की इतनी है, टोटल काम इतना है, टोटल काम कितने दिन में कर लेगा, 15 से डिवाइड करोगे, 15 × 15, 15 × 15 3/15, इसको काट सकते हो, तो 1/5, तो 11 1/5। ये बी मतलब क्यू इतने दिन में कर रहा है, पी 16 18 दिन काम कर रहा है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल डेज पूछा है दोनों के द्वारा, तो 18 + 11 = 29 और 1/5, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, शायद अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, है ना, दो आगे चला जाएगा मैं। हाँ ओके, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक स्फेरिकल बॉल है, मैक्सिमम साइज जो निकाला जाता है अपना क्यूब से, तो देखो क्यूब मान लो ऐसे है, पीछे रखो हुआ है, दिखना नहीं होगा पूरा आपको, तो क्यूब से अगर आप मैक्सिमम स्फीयर निकालोगे ना, तो ये बनेगा आपका, चिपका हुआ है, ठीक है। अब जो उसकी डायमीटर रहेगी ना, वो क्यूब की साइड रहेगी, तो क्यूब की साइड कितनी है, 21, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 21/2। आप 21/2 ही लेके चलो, क्योंकि काटने में आसान रहेगा, वरना पॉइंट में आएगा, कहाँ करते फिरोगे, ठीक है। तो अपना देख लो क्या होता है वॉल्यूम का, 4/3 × π × r³, 21 × 21 × 21/8, ठीक है, 7 × 21 = 21 गया, 4 × 2 = 11, ठीक है, ये कट गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे आपको, देखो यहाँ देखा करो, यूनिट डिजिट पर अलग दे रखा है सब कुछ, तो यूनिट डिजिट निकालोगे आंसर आ जाएगा, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, तो 1 ही आएगा, तो ये आंसर है। बाकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो चाहो तो, कोई ऐसी वो नहीं है, ठीक है ना, उससे टाइम घोटे होगा आपका। यहाँ क्वेश्चन आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एक सीरीज है 56 टर्म की, उनका सम बताओ। अब देखो यहाँ दो सीरीज बन रही है, ठीक है, एक बन रही है 12 + 17 मतलब 12 + 5 = 17, 17 + 5 = 22, 27, ऐसे बनते चले जा रही है, ठीक है, और एक बन रही है 8 × 2 = 10, 10 × 2 = 12, 12 × 2 = 14, ठीक है, दो सीरीज बन रही है, तो दो सीरीज बराबर बराबर रहेंगी, तो मतलब दोनों में 28 28 टर्म रहे होंगे, ठीक है। तो पहला मान लो फर्स्ट टर्म जो है, मतलब पहली वाली जो सीरीज है, उसमें स्टार्ट हो रहा है 12 से, फिर बढ़ रहा है 5, तो डैश 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 और 28 टर्म तक जा रहा है, ठीक है। दूसरी सीरीज है अपनी 8 से शुरू हो रही है और 28 टर्म तक जा रही है, ठीक है। अब अपना लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं आप, ऐसे तो निकालते होंगे कि हम इसको a + n − 1 × d, यही तो निकालते होंगे आप, ये अपनी nth टर्म रहती है, ठीक है, निकाल लो भाई इससे कैसे निकलेगा। अब ए आपको पता है, n पता है, d पता है, निकल जाएगा आपका आसानी से। तो इस वाले में क्या आएगा अपना, a 12 है, 12 + n कितना है 28, 28 में से 1 जाएगा, बचेगा 27, इंटू डी कितना है 5, तो ये आपकी आ गई लास्ट टर्म। इसमें देख लो कौन सी लास्ट टर्म आएगी, 8 + 27 × डिफरेंस कितने का 2 का, तो ये आपकी दूसरी टर्म आ गई, ठीक है। तो देख लो कितना आ रहा, 5 × 7 = 35, 35 का 5, 3 × 5 = 10, 13, 135 यहाँ से आएगा, 12 प्लस करोगे आप तो बचेगा 7, 147 यहाँ से आ जाएगी लास्ट टर्म, और यहाँ से कीजिए 27 × 54, 54 और 8 = 62 यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों की जगह आप लिख दो 147 और 62, ठीक है। आपको सम निकालना है, सम कैसे होता है अपना, एस एन बराबर होता है ए मतलब फर्स्ट टर्म और एल मतलब लास्ट टर्म अपॉन 2 × टोटल नंबर ऑफ टर्म जितनी है, ठीक है। तो इस पर रख दो आप, यहाँ से क्या आएगा,
अपना 12 + 147 इनटू, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ ताकि किसी को ये ना लगे कि हमें पता समझ नहीं आया, तो इसलिए आप ये मत बोला करो कि आप ऐसे शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट तो मैं कर सकता हूँ, मैंने किया भी है, लेकिन वही है शॉर्ट करूँगा कि जब समझ में नहीं आएगा तुमको। तो 147 इंटू 2 इंटू अपना कितने टर्म है, 28 टर्म है, ठीक है। प्लस करोगे इस वाले टर्म को तो अपना कितना स्टार्ट हो रहा है, 8 + लास्ट में 62 / 2 * 28, ठीक है। इसको काट लोगे, 14 यहाँ से आ जाएगा, 14 यहाँ से आ जाएगा। अब 14 तुम बाहर ले लो कॉमन, तो अंदर बचेगा 7, 8, 9, 159 + यहाँ से अपना 70, कितना आ जाएगा, 9, 12, 229 * 14, ठीक है। अब यहाँ देख लो, हाँ यहाँ भी आप उससे घेर सकते हो यूनिट डेट से, 4 है 9 है 2 8, यहाँ से क्या आएगा, 9 × 36 6 आएगी, तो ये आंसर है आपका सिंपल, ठीक है। कर सकते हो, सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है ना। आपको करके दिखा दूँ अगर चाहो तो, रुको मतलब मल्टीप्लाई करो, 14 नियम, 126 का 6, 2 गया कैरी, 14 28, 28 2 30, 40 का 0, 4 गया कैरी, 14 28, 28 4 52, 5260 आ रहा है, सॉरी 32, 52 कह रहा हूँ, 14 28, 28 5 अपना 32, ठीक है ना। बावन पता नहीं क्यों रट गया मुझे, तो चलो नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ ये बोल रहा है कि दो ट्रेन है, दो बसेज हैं, उनकी स्पीड 48, एक की है 32, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, ठीक है ना, टूवर्ड ईच अदर, और 6 घंटे बाद मिल जाती हैं, तो उनका डिफरेंस बता दो क्या है। तो देखो, ये 48 की स्पीड से आ रही है, 6 घंटा चलेगी, ये 32 की स्पीड से 6 घंटा चलेगी, दोनों बराबर चल रही है। डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको इसको मल्टीप्लाई करो माइनस इसको इसको मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप सीधा 6 कॉमन ले लो और इनका डिफरेंस निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 × 48 में से 32 जाएंगे, बचेगा 16, 16 × 96, 96 आपका आंसर है। मैं बताता हूँ बेसिक एकदम, डिस्टेंस यहाँ से टोटल देखो, 6 घंटा जा रही है, 1 घंटे में 48 कर रही है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लेगी, 6 × 8 = 48, 6 × 24 = 24, 24 × 28, ठीक है, इतना कर लेगी ए वाली। और 32 किलोमीटर जा रही है, वो कितना कर लेगी, 6 × 12, 6 × 3 = 18, 19, ठीक है, इतना कर लेगी। अब इसने इतना कर लिया, इसने इतना कर लिया, डिफरेंस क्या है, माइनस कर दो, 8 में से 2 गए 6, 8 में से 9 गए 9, ये आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बस ये है, ये इसकी मतलब बस थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, 6 कॉमन ले लोगे तो बात वही बन जाएगी। और बोल देते हैं शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक ऐसा कुछ होता नहीं है, बट वही है, लास्ट लास्ट जो आपका स्टेप रहता है सॉल्यूशन में, वही आपकी शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात है, चलो अब यहाँ ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इंश्योरेंस सोल्ड, ठीक है। इंश्योरेंस यहाँ देखो, ये चीज़ पढ़ लेना आप, इंश्योरेंस टोटल का मतलब क्या है, इसका 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 मतलब तीनों को प्लस करके टोटल इंश्योरेंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है बी और सी के टुगेदर चाहिए, बी और सी देख लो, 4 × 3 = 7, 10, 100 इसके आ गए, 6 × 5 = 11, 11 × 2 = 13, तो 23, 230 इनके आ गए बी और सी के, और इसके कितने आ जाएंगे, सी और डी और ई के, 5 × 4 = 9, 9 × 3 = 12, 120 यहाँ से आ गए, 140, 100 कितने, 12, 120 और 140, तो अपने 260 यहाँ से आ गए, डिफरेंस कितने का 30 का, तो 30 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अब यहाँ ये बोल रहा है कि पेरीमीटर स्क्वायर का वो 5.6 है, तो इसकी वो कितनी हो जाएगी, कि अपनी साइड हो जाएगी, 4 स्क्वायर होती है ना, वो के ले लिया हमने, तो 4 से करोगे तो 1.6 आ जाएगी, मतलब 16 चौक वो तो होते हैं, वो 16 कह रहा हूँ, 14.4, 14 मीटर आ जाएगी, 14 मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है, इसमें भी मीटर सेंटीमीटर में कर लो, तो 140 सेंटीमीटर दे रखी है हमें साइड जो है, वो साइड जो है अपनी स्क्वायर की। और ये बोल रहा है जो स्क्वायर की साइड है ना, 20 सेंटीमीटर ज़्यादा है ब्रेथ से रेक्टेंगल के, तो ब्रेथ कितना होगा अपना, 120 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर की दो 20 मीटर ज़्यादा है। और लेंथ क्या दे रखी है हमें, 10 10 सेंटीमीटर, मतलब जो साइड दे रखी है क्यूब की, वो 10 सेंटीमीटर कम है लेंथ से, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 150, ठीक है, शायद समझ में आ गया, मैं थोड़ा हड़बड़ा जाता हूँ। तो देख लो क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है क्या, इसको प्लस कर दो, मल्टीप्लाई 2 कर दो, आ जाएगा 270 = 2, मतलब मल्टीप्लाई में 2 = 57, 540 आंसर आ जाएगा, 500, यहाँ सेंटीमीटर में, मीटर में करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, 5.4 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, और भाई यार मैं थोड़ा अगर इधर तो निकल जाता हूँ तो थोड़ा माफ़ी कर देना, है ना, क्योंकि टीचर वीचर नहीं हूँ मैं, तो ऐसे ही होता है। अब यहाँ ये बोल रहा है कि आपको टोटल नंबर इधर देखें, इतने इतने हैं कैंडिडेट्स, और जिन्होंने विजिट जो विजिट कराए, इतने लोग विजिट करें कहीं पर, और उसमें से जिन्होंने बुक किया ना, उसकी परसेंटेज दे रखी है। तो अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल्स हु डिड नॉट बुक गाइड ऑन डे 3, डे 3 में कितने लोग थे, 3000 थे, उसमें से 25% ने बुक किया है, तो कितनों ने नहीं किया होगा, मतलब 75% ने नहीं किया, ठीक है, टोटल नंबर। तो देख लो भाई, आ जाएगा 3000 का 75% लाना है, 75% मतलब 3/4, ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपना, 3 × 3 = 9, 9000 यहाँ से आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, अच्छा 9000 आ जाएगा, चलो नहीं, 4 × 8 तो 2250, ये आ जाएगा, ठीक है, इतने लोगों ने नहीं किया था बुक। अब इनमें से कुछ मेल्स हैं कुछ फीमेल्स हैं, ठीक है, मेल और फीमेल का रेशियो देखा है 11:4:15, 15 की वैल्यू टोटल मतलब 2500 है, 2000 2250, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से निकालोगे 15 × 15 = 15,
15 75 75, 150 आ जाएगी एक की वैल्यू। मेल्स की कितने दे रखा है हमें, 11, और ये 4, तो 11 की वैल्यू क्या रहेगी, 11 55 55, 11 11 11, 11 5 16, 1650 ये आ जाएंगे, और ये कितने आ जाएंगे अपने, 15 चौक 60, मतलब 600 अपनी फीमेल्स हो जाएंगी। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ विजिटर्स हु बुक द गाइड ऑन डे 6। अब डे 6 में कितनों ने बुक किया है, तो देखता हूँ अपना, 3600 लोग गए थे, उसमें से 20% लोगों ने किया है, तो मतलब 1/5 लोगों ने किया, 5 5 5 7 35, 5 2 10, तो 720 लोगों ने ही यहाँ पे बुक किया है। ठीक है, तो पूछ कह रहा है हमसे डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ विजिटर्स 720 माइनस नंबर ऑफ फीमेल हु डिड नॉट बुक द गाइड, 600 लोगों ने, 600 लड़कियों ने गाइड बुक नहीं किया था, और 720 टोटल यहाँ थे, तो माइनस आ जाएगा 120, आंसर आ जाएगा आपका 120। ठीक है, देखते हैं आंसर ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ ये बोल रहा है कि रेशियो दे रखा है 2 नंबर का, 9:4, अगर उसमें हम नोमिनेटर में 5 ऐड करते हैं बड़े नंबर में, और छोटे नंबर में हम 1 माइनस करते हैं, तो रेशियो जो नया आता है वो 7:3 आता है, तो 9 मान लो 9x है, प्लस करोगे 5, और यहाँ 4x है, माइनस करोगे 1, बराबर आ रहा है 7/3। इसका एक शॉर्ट ट्रिक था, मतलब उन्होंने बताया था आवाज़ सही सर ने, मैं भूल गया हूँ अभी, वो कुछ ज़्यादा जल्दी आ गया था आंसर, उससे आप देख लेना करना चाहो तो यहाँ देख लो, यहाँ क्या बनेगा, 9 3 27 और 5 3 15, 27 प्लस 15 बचेगा यहाँ पे, बचेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 7 4 28 माइनस 7, तो 28 यहाँ 27 यहाँ इधर आएगा, तो बचेगा एक्स बराबर 15 और 7 22, तो एक्स बराबर 22 आ गया, तो ये नंबर कितना आएगा, 9 2 18 198 अपना ए नंबर आ गया, बी नंबर कितना आएगा, 4 2 8 4 2 8, ये ए है ये बी है। ठीक है, अब पूछा सम ऑफ लार्जर, लार्जर वाला ये है, इसका नंबर सम क्या आ रहा है, 18, 8 1 9 9 और 9 18, तो पहला सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे का सम क्या आ रहा है, 8 8 16, तो दूसरा भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए दोनों आंसर ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, बट रुको, ये बोल रहा है बताना VU, VU बताना है, और ये कैसे रखें हमें एंगल बाइसेक्टर। अब देखो ये रहता है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर रहता है ना, तो ये जो इनको इनको बांटेगा, डिवाइड करेगा जिस रेशियो में, वो इसी रेशियो में करेगा जिसमें ये दोनों है। ठीक है, तो देख लो भाई, 28/36/4 बराबर 21/x। ठीक है, 7 4 28, 7 21, 4 9 36, 4 1 4, अब 3 1 3 27, ये आपकी आ गई एक्स की वैल्यू। ठीक है, समझ गए होंगे शायद। यहाँ क्या बोल रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट एज बोल रहे हैं राम और श्याम की 3:4 है, डिफरेंस 4 का है, तो बताओ राम और श्याम की 4 और 4 साल बाद क्या क्या रेशियो रहेगा। तो मान लो आप इसको देखो सिंपल कर सकते हो, यहाँ पे कितना डिफरेंस है एज का, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, क्या हो गया पेन, ब्लैक से कहाँ हो गया है, ऐसे था क्या। ठीक है, आपका रेशियो कितना हो गया, 1 का डिफरेंस आ रहा है, और वो डिफरेंस दे कितना रखा है एक्चुअल में, वो 4 ईयर का है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको 4 दे रखी है। ठीक है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 12, और 4 की कितनी होगी, 16। अब कह रहा है 4 साल बाद, तो 4 साल 12 4 16 हो जाएगा, ये 20 का हो जाएगा, तो 4 चौक 16 4 5 20, 4:5 आंसर आ रहा है। ठीक है ना, अच्छा हाईलाइटर से कर रहा था क्या मैं, यहाँ जाते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये मैं देखना है, ये बताना है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा, तो देखो इसका स्क्वायर करोगे सिंपल, तो बचेगा 9x, ठीक है, प्लस 1/x, और माइनस 2 3 6, एक्स से रूट कर जाएगा, बराबर 36, तो 9x+1=9x+1/x=42। अब जो लोग फॉर मतलब वो रट जाते हैं ट्रिक के लिए, वो जो होता है ना एक छोटा सा कि p² + 2 रट लो, तो उससे आंसर तो गलत आ जाता है आपका, यहाँ ए भी होता है, मतलब यहाँ वो भी होता है, 2 × ये जो होता है आपका, ये भी होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप, तब बनता है आपका आंसर, क्योंकि अगर ये करते p² + 2 तो आपका आंसर जाता है 6 6 36 36 + 2 38, तो वो भी रॉन्ग होता। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है, ये बना दो, कुछ खोल लो आप, इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा, a³ मतलब 8a³ - 3 3 27, b³ और -3a² भी रहता, तो 2 2 2 4 4 3 12 12 3 36a² भी, प्लस 3 3 9 9 3 27 27 9 54, वो 9 3 3 9 9 3 27 27, गलत कर रहा हूँ ना, 3 3 9, हाँ 3 9 27 27 तो ये आएगा, नहीं 1 मिनट, 3, हाँ हाँ 2 भी तो है, सॉरी सॉरी, 3 3 9 9 9 3 18 18 3 54, 54ab² ये बनेगा, और प्लस 6 6 36 36a² भी, माइनस 9 6 54, 54ab², ठीक है, ये से ये कट रहा है, ये से ये कट रहा है, बचेगा आंसर ये सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं,
अब ये मेरा टाइम की वजह से रह गया था क्वेश्चन, बताता हूँ कैसे करते हैं इसको। ये बोल रहा है कि आपको ना ये जो परसेंटेज चेंज दे रखा है वो प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में दे रखा है कि पहले कितना था और अब कितना हो गया है। तो हमें जनवरी की वैल्यू पता है दोनों की, तो हमें निकालनी है अप्रैल की। ठीक है, तो निकाल लो आप। आपको गिवन है 1200, ए की 1200 है, बी की कितनी है 1600 जनवरी में। ठीक है, हमें अप्रैल में निकालनी है। तो फेब में कितनी हुई 10%, वो यहाँ से ए वाला है। ठीक है, ए 25% बढ़ गया, मतलब 5/4 हो गया। फिर उसके बाद 20% कम हो गया, 20% मतलब 4/5 हो गया। फिर आपका 10% बढ़ गया, मतलब 11/10 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो रहा है 1600, 1600 पहले 10% घट रहा है, मतलब 9/10 बच रहा है। फिर आपका 20% बढ़ रहा है, मतलब 6/5 हो रहा है। फिर आपका 25% बढ़ रहा है, 25% मतलब 5/4। ठीक है, ये आ रहा है, 5 से 5 कट गया, 5 चौक 20, 200, 6 ऊपर आ गया। यार इसे ही काट लो, सॉरी सॉरी इसे काट लो, यहाँ 12, 120 बचेगा, और × 11। ठीक है, ये बचा ऊपर, और यहाँ से क्या 5 से 5 गया, 40, 40 ये आ गया, मल्टीप्लाई कर लो तो 11 तो नहीं 22, 1320 ऊपर से आ गया। अब यहाँ 9 चौक 54, 54 4 चौक 16, 2160 यहाँ से आ गया। मल्टीप्लाई वो कर लो, सम कितना आ रहा है उसका, 0 6 7 8, 3 4 3, 3 4 8 0, आपका आंसर आ गया। ठीक है, शायद समझ में आ गया हो यार तुमको कि यार अब ठीक है जो भी है। यहाँ बोला है कि इलेक्शन हुआ दोनों के बीच में, तो अमित को जो मिले 55% वोट मिले हैं, वैलिड जो वोट थे, और टोटल वोट जो वैलिड थे वो 92% थे। तो 100% वोट डाले, उसमें से 92% वैलिड है, 8 इनवैलिड है। ठीक है, अब इसमें से 55 इसको मिल गए, 45 इसको मिल गए, ये अमित के हैं, ये अरुण के हैं। तो मैं पूछा क्या है नंबर ऑफ वैलिड वोट, अरुण अरुण को कितने मिले हैं, 45% मिले हैं 92% के ऑफ, और कितने के बने टोटल 14,000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 5 दूनी 10, 5 नियम 45, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 9 छंग 54, 9 छंग 54, 36 5 41 × 14, 14 चौक 56, 14 1 6 आ गया। देख लो लास्ट में 6 कहाँ पे, इसी में 6, तो यही आंसर है। ठीक है, पूरा भी कर सकते हो, रुको दिखा देता हूँ पूरा करके। 14 चौक 56 का 6, 5 गए 14 1 14, 14 5 19, 19 को 9, 14 चौक 56, 56 57 आंसर है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए अपना रोज वो करा करो प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन की। ठीक है, यह बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है इतने पे, 4% पे एन ईयर तक इस एक्स। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3200 10% पर 2 ईयर इज वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ एक्स एंड वाई दिस रेशियो। ठीक है, निकल जाएगा भाई आपका, यहाँ देख लो इसको काट दोगे, जाहिर सी बात है दोनों जीरो को कट जाएंगे क्योंकि तो रेशियो करोगे जब, तो 23 × लिख दो, 23 × 4 × n बटे 32 × 2 × 10। ठीक है, ये बराबर आ रहा है अपना 23/20। ठीक है, 23 से 23 कट गया, 4 8 8 2 अपना 2 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, n बराबर 8 आ गया। ठीक है, अब कैसे भी कर सकते हो आप, किधर तो भेज सकते हो किसी को भी, बहरहाल 8 आ गया। ठीक है, समझ गए होगे कैसे किया, बेसिक था एकदम। नेक्स्ट पे आते हैं भाई, यहाँ क्या बोल रहा है, नेट एक्स एन बी नेचुरल नंबर। ये मुझसे हुआ नहीं था, मैं पता क्या कर रहा था इसको, ऐसे कर रहा था, देखो टाइम कितना, मैंने लास्ट में जो बचा टाइम इसमें लगाया था मैंने सारा, मैं इसको मानना था 420 + x मानना था इसको, इसको और इसको मानना था 360 + y। ठीक है, अब ये पूरा डिविजिबल है 162 से। ठीक है, फिर मैं इसको बैठ कर जो बचा मैंने इसमें प्लस करा, ऐसे समथिंग कुछ कर रहा था, बट ऐसे नहीं होगा आई थिंक। तो हम इसको सेपरेट सेपरेट अलग कर सकते हैं, 420 x, तो हम वो रख सकते हैं, इसमें वैल्यू क्या आ सकती है। बहरहाल इसको प्लस करो, अब 420 को 160 को प्लस करो कितना आ जाएगा, 0 6 7 8 5, 580 प्लस अपना एक्स प्लस वाई बटे 162, ये बन रहा था। ठीक है, तो देख लो भाई इसको क्या रख सकते हो एक्स और वाई को, यहाँ पे 162, तो 162 अपना 5 से करोगे, 5 दूनी 10, 5 6 30 31, 5 5 नहीं, 4 4 दूनी 8, 648, 648, 648 आने के लिए मैं क्या रखना पड़ेगा, या नहीं आएगा, नहीं 648 रखोगे तो दोनों डिजिट आ जाएंगे ना, बात तो वही है, यहाँ एक्स वाई मतलब दोनों डिजिट में आ जाएगा, सिंगल डिजिट नहीं रहेगा, और सिंगल डिजिट चाहिए हमें बस, तो वही है। यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 162 4 से करो आप, 3 से करेंगे, 3 6 3 और 486, वही है। अजीब लग रहा था मुझे थोड़ा, मतलब हो नहीं पा रहा था मुझसे, तो मैंने छोड़ दिया इसको, बता देना किसी को पता हो। ठीक है, अगर किसी को भी पता हो बता देना प्लीज़, हाँ अगर आप सिंपल वो रख के कर रहे हो तो बता देना, वो भी वो तो मैं ट्राई कर ही लूँगा, बट अगर इसको बेसिक पता बता देना मुझे एक बार। ये बोल रहा है प्रॉफिट परसेंटेज अर्नड सेलिंग प्राइस 2000 इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट लॉस। ठीक है, तो यहाँ देखो प्रॉफिट क्या होता है,
प्रॉफिट करोगे मतलब सेलिंग प्राइस माइनस माइनस सेल सीपी, ठीक है, और लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, ये आपकी दो याद रखी टर्म, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे अपना एसपी कितना है 2000 माइनस सीपी बराबर है क्योंकि नो लॉस सॉरी इक्वल है दोनों चीज़, ठीक है, इक्वल करोगे। सीपी कितना देखा यहाँ पे पता नहीं हमें, माइनस सेलिंग प्राइस है 1200, ठीक है। अब सीपी इधर आएगा 2 सीपी बराबर 3200, तो सीपी अपना कितना आ गया 1600, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट प्राइस शुड दस आर्टिकल बी सोल्ड, अब 50% प्रॉफिट चाहिए, 50% 1600 हो कितना होगा 800 होगा, इसमें 800 ऐड करोगे 2400 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए होगे शायद। नेक्स्ट पे आते हैं, ये मेरा गलत हो गया क्या, हाँ ये मेरा गलत हो गया था, मैंने पढ़ा नहीं मैक्सिमम मिनिमम, तो इसको पढ़ना पड़ेगा, अभी मुझे नहीं आता था, बाकी इसका मुझे सॉल्यूशन भी नहीं मिला, तो देखते हैं बता देना, मतलब वैसे शायद 3 4 5 ऐसे तो कुछ नहीं था, या फिर इसका कुछ शायद फॉर्मूला रहता है, ए स्क्वायर समथिंग बी स्क्वायर ऐसे कुछ रहता है, भाई ध्यान नहीं है पूरा, भूल गया हूँ, ठीक है, मैं बता देना आप अगर पता हो आपको। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, नहीं उससे नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, ठीक है ठीक है, बता देना, ठीक है यार इसका, अगर आप मतलब जिसकी कोई सर ने अच्छा पढ़ाया हो, या पवन राव सर ने, गगन प्रताप ने, जिसने भी अच्छा पढ़ाया बता देना, मैं देख लूँगा उसकी वीडियो। यहाँ आते हैं, ये बोल रहा है दो प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट ये है, आपको पता होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर रहता है एलसीएम इंटू एससीएफ, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमें गिवन है पूरे का 3000 गिवन है, और हाफ ऑफ द एलसीएम इज 150, हाफ एलसीएम 150, तो पूरा एलसीएम कितना होगा 300, ये कट जाएगा, एससीएफ आ जाएगा आपका 10, तो 10 एससीएफ है, एलसीएम है 300, 310 आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये पता है मैंने आप, आपने देखी होगी वीडियो मेरी क्यों गलत हो गया था, मैंने बस इतना क्वेश्चन पढ़ा यहाँ तक और फिर यहाँ पढ़ लिया, मैंने सोचा कि ये बोल रहा है पेन को हम बेच रहे हैं 20% पे और टोटल प्रॉफिट 5% आ रहा है, तो इसको कितने में बेचेंगे, मैंने ये सोच लिया था, बट ये क्वेश्चन नहीं था, वो क्वेश्चन कुछ और ही था, बताता हूँ करके मैं आपको, बाद में मैंने किया तो ठीक हो गया। ये बोल रहा है कि एक कॉस्ट ऑफ पेंसिल और पेन की कॉस्ट सेम है, मान लो इसकी भी 100x है पेन की और पेंसिल की भी 100x है, ये आपकी है सीपी, ठीक है, तो टोटल सीपी, ये सीपी दे रखा है आपको 100x 100x, टोटल सीपी कितनी आ जाएगी 200x, ठीक है, 100 इसकी 100 इसकी, आपको सेलिंग प्राइस कितना गिवन है पेन का, कह रहा है 20% प्रॉफिट बेचा है, तो 20% मतलब 120x इसका है, और जो उस पेंसिल को बेचा जा रहा है वो 10%, 10 रुपये कम बेचा जा रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ पेन के, तो 120x माइनस 10 रुपये, ठीक है, ये आपकी सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है 12 12 24, सेलिंग प्राइस टोटल 240x माइनस 10 रुपये, ये आपकी टोटल सेलिंग प्राइस आ रही है, ठीक है, और जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो 5% हुआ है, ठीक है ना, तो देख लो भाई प्रॉफिट कैसे निकालते हो, यहाँ देख लो कितना आ रहा है प्रॉफिट आपको, टोटल सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, तो प्रॉफिट ही है, तो 200 240 में से 200 जाएंगे, बचेगा कितना 40x माइनस 10/200x बराबर आपको कितना गिवन है 5% गिवन है, मतलब 5% कितना आ जाएगा 1/20, ठीक है, ये सही है क्या, मैं तो नहीं कर रहा हूँ कुछ, हाँ ठीक है 10 आएगा ना 21, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ ठीक है, होटल देर द प्रॉफिट ऑफ 5% फाइनल सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपकी ये आ गई और कॉस्ट प्राइस यहाँ, तो ठीक है 200x इंटू 105/100 मतलब 21/100 21/20 बराबर आपकी आ रही है 240x माइनस 10, ठीक है, ये रुपये हैं ये एक्स है, ठीक है, अब देख लो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 20 है आपका, इससे ही काट दोगे आप तो ये बचेगा 2 1 2 2 4 420x बराबर 240x माइनस 10 रुपये, अब ये इधर आ जाएगा आपका, कुछ गलत कर रहा हूँ एक मिनट रुको यार, मैं कुछ गलत कर दिया मैंने यहीं से भाई, ये ड्रामा, मैंने पता है उस बंदे को भेजा भी मैंने टेलीग्राम पे, अभी भूल रहा हूँ पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, 120 सेलिंग प्राइस जितनी आ गई कॉस्ट प्राइस इधर किया, बोल रहा है टोटल होल्ड प्रॉफिट ऑफ 5%, 5% का प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस ऑफ पेंसिल, अच्छा हाँ ठीक, अरे यार 1/3 तो जाएगा, 200x इंटू 21/20 बराबर आपको दे रखा है 240x माइनस 10 रुपये, ठीक है, तो जो ये कट गया और अपना 10 आ गए, ठीक है 210x बराबर 240x माइनस 10, आ तो रहा है यार, क्या ड्रामा कर रहा था मैं, तो यहाँ से 30x बराबर 10 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी 1/3 आ जाएगी, ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ क्या हो गया, 1/3 आ गई, अब x 1/3 आ गई, तो अब देख लो क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस ऑफ पेंसिल, पेंसिल की सेलिंग प्राइस ये है
तो 101, 120/3, 40 यहाँ से आएगा, -10, 30 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही ये मैं पता नहीं कहाँ सोच जाता हूँ यार जल्दीबाजी में। ठीक है, अब यहाँ क्या बन रहा है आपका, ये बोल रहा है टेन है आपको इधर रखा है, तो बी हमारे इधर रखे हैं, और कॉस ए प्लस बी निकालना है। आप देख लो भाई यहाँ से आपका क्या बनेगा, डायनोमीटर सेम प्लस हो जाएगा 3/√3, यहाँ से 10 है, √3 आ जाएगा, बी 2 दे रखा है, मतलब आपकी जो थीटा बन रहा है, ए बन रहा है, यहाँ से ए बन रहा है 60, यहाँ से भी बी बन रहा है 60, यहाँ से सी 60, 30 बन रहा है यहाँ से, है ना। ई सेट बी 1/2 कहाँ पे होता है, और 60 पे होता है, 60 बन रहा है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो 6 6 120, तो कॉस 120 इक्वल टू मिल सकते हैं कॉस 90+30। अभी कॉस 90+30 इतना होता है, 90 पे चेंज हो जाता है तो बचेगा, और कॉस यहाँ पे देखो यहाँ सब प्लस रहते हैं, यहाँ साइन और कॉसेक प्लस रहते हैं, यहाँ अपने टेन और कॉट प्लस रहते हैं, यहाँ कॉस वो सेक और कॉस प्लस रहते हैं। अब 90+ मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसमें कॉस माइनस होगा, तो -30, तो -30 कितना होता है, 1/2 माइनस का, माइनस का आंसर आ गया। ठीक है, देखो मैंने कितने टाइम में कर लिया था, 27 सेकंड, और टॉपर ने 32 सेकंड में किया था। वही है, जब वो करो ना एनालिसिस तो थोड़ा दिमाग थोड़ा चल नहीं पाता बढ़िया से, मौके टाइम पर सही चलता है। ये बोल रहा है टेन है आपको दे रखा है 4/3, तो आप सीधा ट्राइंगल बनाओ, 4 ये है, 3 ये है, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द वैल्यू 12 cos है -2 sin है, 12 आपका, 12 आपको 12 × cos, cos कितना हो जाएगा 3/5, 12 को काटोगे, नहीं, 12 × 36/5 -2, 2 × 8, 8/5 divided by 25 × sin, 25, 25 5 से कट जाएगा, 5 × 20 माइनस वो प्लस, 20 × 5 × 20, 4 × 3 = 12, 12 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब 36 में से 8 के बचे, 28/5/20, और 12 कितने हो गए आपके, 32, 32 यहीं आ जाएगा, कितने से 4 7 8 4 32, 7/40 आ जाएगा आपका आंसर, 7/8 = 40 आपका आंसर आ गया। दोबारा बता देता हूँ, गलत कर देता हूँ, मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक से मैंने तो जल्दी कर लिया था। देखो ये आपका ट्राइंगल बन गया, अब बोल रहा है कॉस है, कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो 12 × cos कितना, 3 था ना, क्या नोटिंग, 3/5 ± −2 × sin क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, 4/5, ठीक है, अपॉन साइन अपना होता है 4/5, तो 25 × 4/5 + 20 × बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहाँ से देख लो, 5 से 5 कट जाएगा, अब ये कट जाएगा, तो 12 × 3 = 36, 36/5 − 4 × 8/5 / 5 × 20, और 4 × 3 = 12, 20 × 12 = 32, तो 5 डायमीटर से माइनस डायरेक्ट हो जाएगा, और 36 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 28/5 × 32 है, 4 7 28, 4 8 32, तो 7/40, ठीक है आंसर आ गया। हम हो भी सकता है कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा पता होंगी, तो ऐसे मत करना कि मतलब मुझे नहीं पता, तो आप बता देना सिंपल, ठीक है, कुछ वो मत करना, ब्रैंक वगैरह अपना जो भी है। ये आता है आपको, बोल रहा है आइसोसेल ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेल ट्राइंगल ए बी सी, बी बराबर आपको सी दे रखा है, द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इस 22, और बी सी कितना दे रखा है आपको 8, ये 8 दे रखा है, देन द फाइंड द मेजर ऑफ लेंथ। अब देखो टोटल 22 है, 8 ये निकल गया, बचा कितना आपका 14 बचा, 14 बचा, तो ये कितना हो जाएगा 7, ये भी 7, क्योंकि साइड इक्वल है, आइसोसेलेस की, तो 7 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, यहाँ ये बोल रहा है ए क्यू, देखो ये आपका इसको 4x - 3 को आप मान लो ए, 8y - 5 को मान लो आप बी, 6z - 1 को आप मान लो सी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3xyz दे रखा है, तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। ठीक है, तो आपका कितना आएगा, 8 4 12 12 6, वो सॉरी 8 पूछा क्या उन्होंने, हाँ 8x, नहीं 4x + 8y + 6z, और ये माइनस में इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो कितना 5 3 8 9 बराबर 9 बचेगा, 9 आ गया, और हाँ 9 आ गया। अब इसको देखो यहाँ 2x 4x 3x, मतलब इसका हाफ कर रहे हैं, तो हाफ करोगे तो 9/2 हो जाएगा, इसका पूरे का 1/3 कर रहे हैं, मतलब 1/3, 3 3 9, 3/2 आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए होगे शायद, बस हो गए इतने यार। ठीक है, बाकी इंग्लिश में मेरे इतने ठीक थे, अगर चाहोगे इंग्लिश का बता दूंगा मैं, बाकी रीजनिंग मेरी ये थी, ये तो मेरा जीएस देख लो कैसा रहता है। ठीक है, इसमें मैं बता, देखो ये तो सब में सबको दिक्कत हुई होगी, पता नहीं हुई होगी नहीं हुई होगी, बट मुझे तो हुई थी, और इसमें ये भी क्वेश्चन गलत था आई थिंक, जितना मुझे लगा था, और ये पता है यार मुझे, ये तो कंफर्म था कि इन दोनों में से कोई है, बट ये नहीं पता था कि प्राइम नंबर बढ़ रहे हैं यार, ये मुझे दोस्त ने बताया अमन,
ना ग्रुप में, उसने बताया कि टैप प्राइम नंबर बन रहा है इसमें, देखो मैंने टाइम कितना लिया था। देखा वही है, जब आपके माइंड में क्लिक नहीं करती चीज़ तो वो करेगी ही नहीं, इतना सोच लो आप। बट ये जल्दी हो जाता तो है, बट कोई नहीं, ठीक रहा ओवरऑल। बाकी अगर कोई क्वेश्चन में आपको फिर से दिक्कत रही हो तो बताना, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा आपको टेलीग्राम या कहीं भी। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।